18 अक्टूबर। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पहुंच गए हैं आगरा, आगरा का ताजमहल हम लोग जा रहे हैं और हमारी नवरस की पूरी टीम यहां पहुंच चुकी है। तो सर, आज हम ताजमहल पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे आप? ताजमहल मतलब पुरानी यादें ताजा हो रही है, जब हम नवरस कथा कुलाज का यहां पे शूट करने आए थे जी। पूरे फ्लैशेज आ रहे हैं कल से, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो को एक्ट्रेस थी श्रेया झा, मेरे डीओ की रूपों में उनको मिस कर रहा हूँ। और मतलब ऐसा टाइम यूं निकल गया, मतलब जगह वही है, टाइम वही है, टीम चेंज है, डीओपी की जगह हम ये उनको शहादत दी वहाँ पे। ऐसे वीरता, मतलब पंजाब की जो भूमि है वहाँ पे जो वीरता है वहाँ की हवा में, वहाँ की मिट्टी में, ये मुझे फील हुआ भगत सिंह जी के घर पे जाकर। फिर उसके बाद हमारा कारवा, हम चंडीगढ़ निकले, फिर हिमाचल गए, हिमाचल में मंडी में हमने कुसुम थिएटर में गए, वहाँ के लोगों से हमने अपील की। फिर उसके बाद हम हरियाणा आए, अम्बाला यूनिवर्सिटी में, मतलब 10,000 यूनिवर्सिटी थी। कौन सी थी नाम, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, मैं नाम मेंशन करूँगी ज़रूर उसका। उस यूनिवर्सिटी में हमने मतलब पूरा उनके टीचर्स ने हमें प्रॉमिस किया कि जब रिलीज़ होगी तो वो पूरे स्कूल को, कॉलेजेस को लेके जाएंगे। ये अपने आप में ये नवरस कथा कॉलेज का मैजिक है और ये नवरस कथा कॉलेज की जीत है कि मतलब हमें वहाँ के जो गुरु होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हमारे जो बच्चे हैं वो इस तरह का सिनेमा देखें। फिर हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी गए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बाद नेक्स्ट डे फिर हम कौशाम्बी में गए, गाजियाबाद में। तो मतलब लिटरली गले से लगाया वहाँ पे सचिन जी थे, सचिन जी के बाद फिर जितने भी वरिष्ठ पत्रकार थे, मतलब उन वरिष्ठ पत्रकारों ने हमें इतना आशीर्वाद दिया, ऐसे ऐसे बोला कि शाबाश, आज के टाइम पे आप ऐसा सिनेमा बना रहे हो, हमें शाबाशी दी। फिर उसके बाद हम रामपुर पहुंचे, जो नजमा जी का ननिहाल है, वहाँ पे सच में जैसे नानी के घर जाते थे ना बचपन में, प्यार मिलता था, वो वाला फील आया, ऐसा प्यार मिला मतलब नवरस कथा कॉलेज के कि हम उनके नाती हैं रामपुर के। और वहाँ पे वो कौन थे, वो इन्फ्लुएंसर दिया, वो लिटरली उनके कफील भाई ने इतना प्यार दिया हमें। हमारे पास माइक वाइक था नहीं, मैं तो ऐसे बोर्ड पकड़ के चिल्ला चिल्ला रहा था। उन्होंने तो माइक अरेंजमेंट 2 मिनट पे, और हमें जगह बताई कि है ना गांधी, यहाँ पर आप गांधी समाधि पे आप आइए, गांधी समाधि पे। हमने माइक लेके लिटरली डंका बजाया, बोला नवरस कथा कॉलेज रिलीज हो रही है आपकी फिल्म, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मेरे देश का जो प्यार मिल रहा है ना देश के लोगों से, बहुत मजा आ रहा है। फिर हम बरेली पहुंचे, वहाँ पे हमारी सुमन दीदी थी, उन्होंने तो मतलब दीदी ने तो बाप रे बाप 27 साल से लगा हुआ है वो, मतलब वहाँ की जो पार्क में लेके गई हमें, लेडीज को पकड़ के बताया, अरे भैया देखो ये पिक्चर, मैं दूंगी तुम्हें टिकट, तुम देखना। सुमन दीदी ने तो रियली बहुत ही मतलब एकदम हमारे लिए भी बड़ा अचीव था कि उन्होंने इतना प्यार दिया और इतना अच्छा लगा। और उनसे मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ, बट मुझे मिलने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं बरसों से उनको जानती हूँ और वो भी मुझे बरसों से जानती हैं, ऐसा फील हुआ उनके साथ, बहुत मजा आया। मीडिया ने इतना अच्छा अच्छा लिखा हमारे लिए। फिर कॉलेज, राजश्री कॉलेज गए थे बरेली में, ये देखिए हमारी पूरी टीम, राजश्री कॉलेज में भी बहुत मजा है, राजश्री कॉलेज में बहुत मजा आया। फिर हम लखनऊ पहुंचे, लखनऊ में मतलब हमने टुंडे कबाब के वहां पे गए, वहां पे हम बैनर लेके खड़े हो गए, टुंडे कबाब में गए जरूर, पर टुंडे कबाब नहीं खा के वहां भी पनीर खाया। हम कृष्ण भक्त हैं तो न्यूज में गए, जनता टीवी में गए, बड़ा मजा आया। फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मुझे ना ड्रोन का शॉट लेना था, तो उन्होंने कहा कि सुबह जल्दी उठ जाओ, तो नाजमा जी और वसीम जी ने साफ बोल दिया था कि नहीं उठना, ड्राइवर को थोड़ा सोने देना है। और मैंने थोड़ी चलाकी की, ड्राइवर को पटाया, मैंने कहा भाई प्लीज आधे घंटे के लिए उठ जाना, आप उठ के आ जाना और फिर सो जाना। तो हम 5 बजे उठे, 5:30 बजे आए, 6 बजे उनको भेज दिया। और मैं थोड़ा लालच करते हुए मैं श्री शर्मा जी की चाय क्या ले गया वहाँ पे, वहाँ भी प्रमोशन, वहाँ पे प्रमोशन किया, इतनी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी शर्मा चाय क्या, मतलब लोग, मुझे लगा कोई वीआईपी आ रहा है वहाँ पे, मतलब उन्होंने बाउंसर खड़े करे। सर आप ये बताओ, नहीं सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि वीआईपी आ रहे, नवरस कथा कॉलेज की टीम से बढ़ के कोई वीआईपी है इस टाइम पे? ये तो आप लोगों का, आप ये सोचो कि हम लोग प्रमोशन जहाँ जहाँ कर रहे हैं हमारे पीछे पीछे कपिल शर्मा आ रहा है। हाँ ये बात तो है, आप ये, आपने ये नोटिस किया? भी हमारे ही है, नहीं तो... आपने ये नोटिस किया जहाँ जहाँ हम करके आते हैं वहाँ वहाँ कपिल शर्मा की टीम दूसरे दिन ही पहुँच जाती है। आप आगरा वालों तैयारी करो कपिल शर्मा के वेलकम की, कपिल भाई हमें फॉलो कर रहे हैं। ताजमहल पहुँच चुके हैं, वसीम जी क्या कहना चाहोगे आप? ये क्या था, हाँ
गणपत की नगरी ताजमहल पहुंच चुके हैं। यहाँ हमारी पूरी टीम ने बहुत एंजॉय करा, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। गर्मी भी काफी है और हमारी टीम को बस ब्लेसिंग चाहिए और हमारी जो फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज हो रही है बस वो सुपर सुपर हिट होना चाहिए। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए, थैंक यू सो मच। फोकस करो कैमरे पे उस पे। देश की पहली फिल्म है जिसने रिलीज से पहले 68 अवार्ड जीते हैं। मैं नहीं चाहता इस देश में डोमेस्टिक वायलेंस हो, डाइवोर्स हो। इन दरिंदों को मैंने बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की है कि देखिए आप करते तो क्या होता है। तो हमारी फिल्म में फर्स्ट टाइम रेप को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि समाज में जागृति है। डाइवोर्स के ऊपर सर हमने अद्भुत रस की जो आगरा की कहानी। क्या बात है, तो ये हिंदुस्तानी परंपरा जो है ना ये बहुत ही कमाल की है। क्या बात है, क्या बात है। इस मूवी के बारे में मैं आप सबको थोड़ा सा बताऊं। उससे पहले एक शॉर्ट डिटेल देना चाहती हूं कि एक ऐसी मूवी है जिसमें महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है और साथ ही साथ महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जाए उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो अब टीम के और भी मेंबर्स जैसे ही इकट्ठे होंगे तो हम एक ट्रेलर आप सभी के बीच दिखाएंगे और उसके साथ ही मैं प्रवीण सर को भी फिर स्टेज पर बुलाऊंगी कि वो आप सभी से तारीफ करें और अपने बारे में और अपनी आने वाली फिल्म के बारे में सभी को। मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ और ये जो फिल्म का ट्रेलर अभी आप देखने वाले हैं ये देश की पहली ऐसी फिल्म है जिसने रिलीज से पहले अराउंड 58 अवार्ड जीते। हमारे भारत देश में 8 तारीख को बार्सिलोना लव एंड होप इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल स्पेन में पहले अराउंड 58 अवार्ड जीते और कल ही स्पेन बार्सिलोना में हमने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। सितंबर बॉस्टन में हमारी फिल्म ने बेस्ट सोशल फिल्म का अवार्ड जीता है। डाइवोर्स के ऊपर कहानी है, उसकी शूटिंग हमारी आगरा में ही शूट हुई। हमारा यूथ है, आप हमारा भविष्य है, आप ही आने वाले टाइम में हमारे भारत देश को चलाएंगे। संस्थान उसमें अपने प्रयासों से कार्य करता है और सिर्फ हिंदी नहीं यहाँ कथा कोलाज की जो टीम हमारे बीच गए कुंभ के मेले में और फिर मिल गए और खुशी खुशी फिल्म समाप्त हो गई। या और तरह के विलेन की डूट पार्ट वो आप लोगों को आज गिफ्ट दिए जाएंगे तो प्लीज कैमरा पर ध्यान से देखिएगा। हम तो नायक बनने आए हैं यहाँ पर, कुछ कैरेक्टर यहाँ पे खड़े नेपोटिज्म नहीं किया, इन्होंने जेन्युइनली अच्छा कमेंट लिखा और हमारी टीम अंकित और अभिषेक मिश्रा ने इनको दोस्तों अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, आप लोग आप बिल्कुल निराश मत होइए। ओके बच्चों एक और गेम है आप बिल्कुल निराश मत होइए। हमने कर लिया अच्छा। दोबारा एक और गेम है, इस गेम में ये जो गेम है इसमें आपको अपना टैलेंट दिखाना है। अभी और बच्चों देखते हुए पूरे जब ट्रेन
ट्रेलर चल रहा था, एक जगह लाफ कर रहा था, ओ आइए अबे लेसवेस के बॉसेस तो बॉसेस। और हम इतिहास रचेंगे, ये मैं पहले ही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यस में बिलीव करता हूँ। मैंने 5 सितंबर को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय मेरे प्यारे देशवासियों को न्योता दिया कि आप आइए, और हम इंडिया की पहली ऐतिहासिक सिनेमा यात्रा है जहाँ पे कोई फिल्म लेकर ऐसे कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रेवल कर रहा है और अपने देशवासियों से मिल रहा है और अपने देशवासियों से प्यार बटोर रहा है और उनका आशीर्वाद ले रहा है। आप जो आप मुझे गौर से सुन रहे हैं, हुसैन भाई ने जो मतलब मैं इनसे पहली बार ही आज मिला हूँ, और प्रवीण जो बेस्ट कमेंट लिखेगा हम इसमें नेपोटिज्म नहीं करेंगे, हम जागृति है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो चल रही है उसमें आज हमारा डेस्टिनेशन आगरा था, और आगरा में अभिभा जी और जो हमारी टीम है फेम मीडिया की, उन्होंने हमें सर से मिलवाया, और मैं इनकी आवाज़, इनकी ज्ञान और इनके ह्यूमर का कायल हो चुका हूँ। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि जो हमारी फिल्म आ रही है नवरस कथाकुला जो 18 अक्टूबर को रिलीज़ होने जा रही है, उसके लिए दो शब्द क्या कहेंगे सर? मैं दो शब्द सबसे पहले यही कहूँगा कि भाई सबसे पहले तो आप जैसे मूवी कह रहे हैं, मूवी सुनते ही ऐसा दिमाग में आता है कुछ ड्रामेटिक है, कुछ फेक है, और जब आपकी ज़िंदगी में जो कहानी आप बता रहे हैं नवरसों की, वो हमारी हर ज़िंदगी में रोज़मर्रा की सुबह से लेकर शाम तक के वो रस हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। मैं बाज़ात खुद भगवान श्री रजनीश का 25 साल पुराना सन्यासी भी हूँ, वैसे नाम अखलाक हुसैन है लेकिन वैसे मेरा नाम स्वामी प्रेम मस्त है, मैं जय कृष्णमूर्ति जो कोई भी पढ़ता हूँ। तो मैं स्पिरिचुअल नज़रिए से अगर देखूँ तो जीवन का जो मनोविज्ञान है उसमें हम जब पैदा होते हैं तो इन नौ रसों के साथ ही हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं। अगर ये नौ रस हावी हो जाते हैं हमारे पास, क्रोध हावी हो गया, हिंसा हावी हो गई, और किसी पर अतिक्रमण करना हावी हो गया, तो ये रस हमारी ज़िंदगी में बेइंतहा तकलीफ़ लाते हैं और फिर हम समझ नहीं पाते कि ये कहाँ से तकलीफ़ें आ रही हैं। हमसे अवचेतन रूप से ये घटनाएं घटती हैं, और जो इनको विजय पा लिया जाता है उसे स्पिरिचुअल मार्ग कहते हैं। जब इस स्पिरिचुअलिटी को साइकोलॉजिकल रूप में दर्शा कर कोई शख्स प्रस्तुत कर रहा है तो मेरे लिए मूवी नहीं है, उसके परिवर्तन का, ट्रांसफॉर्मेशन का, जीवन की चेतना की निम्नता को ऊर्ध्वगमन का, ऊँचे ले जाने का एक मार्ग है। और इस ऊर्ध्वगमन के मार्ग के लिए मैं प्रवीण हिंगोनिया जी को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ज़िंदगी के ऐसे मसलों पे मूवी बनाना जिन मसलों को मतलब कमर्शियल मसले नहीं कहलाएंगे, ये तो एक परिवर्तन की राह है, और ऐसे में जो भी पॉजिटिव लोग हैं और मेरे हिसाब से जो नेगेटिव भी हैं उनको लगता हो अगर अपनी नज़र में कि हम नेगेटिव हैं और हमें पॉजिटिव होना है तो वो भी ज़रूर इस फिल्म को ज़रूर देखें। बहुत सारी शुभकामनाएं फिल्म के लिए भाई के लोगों में बेस्ट सोशल फिल्म का अवार्ड मिला, तो ये हमारी जीत है, हमारे देश की जीत है। दोस्तों ये आपकी फिल्म, आपकी नवरस कथा बुलाज 18 अक्टूबर को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, और हम तो गाइज आज की आगरा की जर्नी बहुत अच्छी रही, अदीबा के साथ बहुत मजा आया, काफी टाइम के बाद मिले हम लोग अदीबा और हम। पहले हम लोग आए थे नवंबर में, तो बड़ा ही एक खतरनाक सीन हो गया था जो मैं आज भी सोचती हूँ तो मुझे लगता ही यार ऐसा भी हुआ था, तो बट क्या बोल सकते, होता है। बट आज हम आए जिनवारी न्यूज चैनल में, तो हमारे साथ है सर, क्या कहना चाहोगे सर आप? हमें तो बहुत मजा आया आपसे मिलकर, और इतनी प्यारी प्यारी आपने बातें करी, और जो आपने शायरी सुनाई वो तो कमाल की थी, बहुत ही अच्छी थी, और हमारी नवरस की टीम भी यहाँ है और बहुत ही अच्छी वाली हमने चाय भी पी, तो सर आप दो बातें आपसे बोलना चाहेंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिलकर, और कंटेंट जो मूवी का है वो तो उसी की बात करें जिसकी वजह से हम लोग मिले हैं। बिल्कुल, तो मिले तो किसी मूवी की वजह से ही है, लेकिन इससे शख्सियत का पता लगता है कि कोई ऐसे कंटेंट पे भी आज के जमाने में काम करता है जहाँ इंस्टाग्राम और सब पर हास्य 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 चल रहा है, उसमें मैसेज देने की कोई बात करता है जो बड़ी बात है। बहुत सारी विशेष है इस फिल्म के लिए, बहुत ही सिंसियर कम कॉमेडी कम सब कुछ है। यस, इसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आजकल जब फिल्में आती हैं तो लोग अपनी फैमिली से छुप के जाके देखते हैं, बट ये फिल्म ऐसी है कि फैमिली को लेकर जाके देखना है, आपको फैमिली के साथ बैठ के देखना है, ये बहुत बड़ी बात है। देश की सिनेमा यात्रा पे निकले कश्मीर से कन्याकुमारी, हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं और पूरे देश को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फिल्म है क्या। मैं सर, हम जब हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ था 5 सितंबर को, तो मैंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो गाइज ये रही हमारी आगरा की जर्नी, आप लोगों को कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट हमारा विजिट हुआ दैनिक जागरण में, बहुत मज़ा आया पूरी टीम के साथ बात करके अपनी फिल्म के बारे में। आगे की वीडियो देखने के लिए बने रहिए।